Hey guys, good morning everyone. Welcome back to the online class. As you can see here, a poem which we are going to start today, that is the cloth line. What is that? The cloth line. So what does this cloth line means? So you can see in the picture, right? The cloth line is any type of rope. It is a kind of a rope. Wo rashi hota hai, okay? Which is stretched between two points. और टू स्टिक्स वो स्ट्रेच किया रहता है, उसको बांधा जाता है दो पॉइंट्स के बीच में, या तो दो स्टिक्स, ओके, दो स्टिक के बीच में उसको बांध दिया जाता है, सो दैट वी कैन हंग द वॉशिंग क्लॉथ्स, ओके, उस पर वॉशिंग क्लॉथ्स जो है, जो कपड़े जो धुले हैं उनको वी कैन हंग देयर, उसे टांग सकते हैं वहाँ पर बाई यूजिंग पेक्स और द क्लॉथ पिन्स, जो क्लॉथ वाला पिन होता है ना, पिन्स, वो सारे चीज़ को अटैच करके वी कैन हंग द क्लॉथ्स एंड वी कैन लेट द क्लॉथ्स ड्राई इन द सन. तो क्लॉथ लाइन ये है जो इट कैन बी अ रोप कोर्ड, ओके, और कोई इस तरह का वायर्स, ओके, विच इज़ टक्स बिटवीन टू पॉइंट्स और टू स्टिक्स, जहाँ पे वी कैन ड्राई आवर क्लॉथ्स, ओके. सो दिस इज मीन द क्लॉथ लाइन एंड we are going to learn a poem over it. Let's see that, okay? So here we go. The poem is that hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro, flip flap flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. What does this mean? Hand in hand they dance in a row means, as you can see here, hand in hand they dance in a row. जैसे कपड़े को सुखाया जाता है, right? तो वो लोग कैसा feel होता है, जैसा लग रहा है कि वो हाथ पकड़ के dance कर रहे हैं, right? As you can see in the picture, है ना? वैसे वो क्या कर रहे हैं? Dance कर रहे हैं, hither and thither and to and fro. और या तो एक place, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से फिर पहले की जगह पे आगे पीछे वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं. आगे जगह वो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं. और कैसा कर रहे हैं? फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, है ना? फ्लिप फ्लैप कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं. एंड इट ऑल्सो मेकिंग सम काइंड ऑफ नॉइस, सम काइंड ऑफ नॉइस, फ्लटरिंग क्रिएचर एज वाइट एज स्नो. और आगे पीछे वो वेव कर रहे हैं जल्दी जल्दी, सो दैट एंड दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक अ क्रिएचर. क्रिएचर मीन्स अ लिविंग बींग एज वाइट एज स्नो, मतलब लाइक अ बर्ड दे आर दे आर फ्लैपिंग, दे आर फ्लिपिंग दे थिंग्स जस्ट लाइक अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई, ओके, जस्ट लाइक द फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई. दे आर जस्ट डूइंग दिस, द क्लॉथ्स, जो वहाँ पे कपड़े को हम लोग टांगते हैं, है ना, क्लॉथ लाइन पे, तब वो लोग कैसा करते हैं? जे दे फील लाइक दे आर डांसिंग इन अ रो, आगे पीछे हो रहे, हिथर एंड थिथर दे आर मूविंग एंड फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके. And they are also fluttering, they are flapping and quickly, they are flapping quickly as like a bird's wing. You must have seen the birds which are flying in the sky, है ना? वो अपना wings कैसे करते हैं? Flap करते हैं, मतलब उसको wave करते हैं so that they can fly. So let's move to the another stanza. Like a restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry March wind. What does it mean? Like a restive horses they caper and prance. वो जो cloth है वो कैसे हैं? Restive है, मतलब without any rest. वो आगे पीछे हवा में क्या होते रहते हैं? जब अगर हवा चलते रहता है, विंड रहता है, तो क्लॉथ कैसा करते हैं? आगे पीछे घूमते रहते हैं, ना? घूमते नहीं, मतलब आगे पीछे हिलते रहते हैं. केपर लाइक जस्ट लाइक अ जंप मीन्स आगे पीछे होना, है ना? स्प्रिंग वैसे आगे पीछे जैसा. प्रांस मीन्स टू स्प्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ओके. दे आर जस्ट लाइक अ फेरी टेल विचेस दे वाइल्डली डांस. यस, जब हवा तेज चलता है तो वो कपड़े में क्या होता है?
वो ऐसे ही हिलते जैसे लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, राउंडेड इन फ्रंट। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई स्कर्ट या कोई पैंट एंड ऑल अगर रहता है क्लॉथ लाइन पे, तो अगर उसके अंदर विंड चले जाते हैं तो दे वो फूल जाते हैं ना। फूलने के बाद कैसा लगता है, आगे से राउंड राउंड लगते हैं, बट एज यू विल सी वो अंदर से कैसे होते हैं, हॉलो, मतलब खाली होते हैं, है ना। द शिवर एंड स्किप इन द मेरी मार्च विंड, है ना। और ये कब का है, मार्च विंड के बारे में ये बता रहा है। द शिवर, और ये शिवर भी करते हैं, मतलब थर थराते भी है, लाइक दे आर वेव करते वैसा, ठीक है। एंड दे मियरली स्किप इन द मार्च में, और खुशी खुशी की तरह एकदम आगे पीछे चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। और इट फील्स लाइक दे आर डांसिंग एंड इट फील्स लाइक दे आर वेरी हैप्पी। When I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free, then leaving pecks and clothes lying behind her, she flew like a bird and no one can find her. One time, what happened? I saw dancing excitedly. एक जो कपड़ा था, जो उसको क्या देखा, वो एकदम अच्छे से डांस कर रहा था, है ना, कर रही थी, एकदम एक्साइटेडली डांस कर रही थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि किसी भी तरह आई विल गेट फ्री, किसी भी तरह वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। किस चीज़ से फ्री? फ्री पेग से। पेग मीन्स जो पिन होता है ना, जो क्लिप होता है, कपड़े वाला जो क्लिप रहता है, उससे फ्री होना चाहती थी। अनटिल शी वॉज, मतलब वो इतना स्ट्रगल कर रही थी कि किसी भी तरह से मेरा जो क्लॉथ है वो फ्री हो जाए उस क्लिप से। ये कपड़े की बात हो रही है, ओके। जस्ट इमेजिन दैट शी फ्लू लाइक ए बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना विंड तेज होता है कि कपड़े खुद क्लिप से बाहर आ जाते हैं एंड दे फ्लू। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है वो ऐसे जगह पे चले जाते हैं दैट दे आर वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट क्लोथ। जस्ट लाइक हवा तेज चलता है तो वो ऐसे उड़ जाते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट। तो उसी की तरह एक देखा था डांसिंग एक्साइटेडली, एक जो क्लॉथ था वो बहुत डांस कर रहा था एक्साइटेडली और स्ट्रगल कर रहा था कि किसी भी तरह से वो क्लॉथ पिन से बाहर आ जाए। एंड उसके बाद बाहर आने के बाद शी फ्लू लाइक अ बर्ड, और वो बर्ड की तरह उड़कर वहाँ से चली गई एंड नो वन वॉज देयर टू फाइंड हर। तो ये हुआ। देन आई सॉ हर ग्लीम लाइक अ सेल इन द सन, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन। और जो कपड़ा वहाँ से उड़ के चला गया, इट वॉज लाइक अ ब्राइटनेस, वो इतने अच्छे से जा रही थी, जस्ट लाइक अ ग्लीम, मतलब एक ब्राइटनेस, लाइक अ सेल इन द सन। आप देखे होगे, यू मस्ट हैव सीन समवेयर इन वीडियो और इन कार्टून, व्हेन द सेल मीन्स लाइक द शिप का जो सेल होता है वो सन में ब्राइटनेस मीन्स वो चमकता है। तो वो जो क्लॉथ उड़ के गया वो कैसा लग रहा था, वो कैसी लग रही थी, जस्ट लाइक द ग्लीम, वो एकदम ब्राइटनेस जैसा चमक रही थी, है ना, लाइक अ सेल इन द सन। और क्या कर रही थी, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, वो कैसा कर रही थी, फरफरा रही थी, है ना। और जब वो आपने देखा होगा विंड में जब कोई क्लॉथ फरमेंस हिलते रहते हैं तो वो एक अजीब सा साउंड करते, लाइक फरफराना भी से, ओके। तो फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, और वो जैसे उड़ के गई वो एकदम आवाज़ करते हुए, जस्ट लाइक शी वॉज, मतलब फरफरानी जैसा आवाज़ कर रही थी एंड फॉर फ्लॉपिंग इट फॉर फन। और ये सारा चीज उसके लिए फन था। एंड शी फ्लाई अप देयर जस्ट लाइक द बर्ड, फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन। तो व्हाट वी हैव सीन इन दिस पोयम, एक क्लॉथ है जो स्ट्रगल करके उड़ने की कोशिश कर रही थी, है ना, एंड जब उड़ गई वो, तो क्या वो एकदम फन की तरह उसके लिए हो गया, है ना, वो फन की तरह एकदम उड़ने लगी और किसी भी तरह से वो क्लिप से बाहर आई स्ट्रगल करते हुए एंड वो
उड़ के, और उड़ के वो कैसा फील कर रही थी, वो एकदम ब्राइटनेस जैसे दिख रही थी, मतलब चमक रही थी। एंड उसके बाद ये सब उसके लिए क्या था, शी डज दिस ऑल फॉर फन, है ना। जैसे आप देख रहे हो अभी पिक्चर में, अगर वहाँ पे तेज हवा चलेगा तो क्या होगा, वो क्लिप से भी बाहर आ जाता है कपड़ा, है ना। कभी कभी जब विंड बहुत तेज होता है तो क्या होता है, क्लॉथ लाइन से, मतलब वो जो टांगने वाला रस्सी एंड ऑल होता है, वहाँ से वो क्या हो जाता है, वो कपड़े उड़ के चले जाते हैं और क्लिप्स वगैरह से बाहर आ जाते हैं और फ्लाई करने लगते हैं लाइक अ बर्ड। और अगर हाइट पे तो दे विल गो, ऐसे उड़ने लगेंगे कि दैट वी विल नॉट बी एबल टू कैच देम। और अगर इफ ग्राउंड पे हैं, है ना, तो दे विल फ्लाई एंड विल रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। यू हैव सीन सम हार्ड मीनिंग्स, ओके, द मीनिंग्स विच आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फॉर यू, प्लीज़ अंडरलाइन दैट एंड राइट दैट इन योर नोटबुक एंड प्लीज़ मेमोराइज ऑल द वर्ड मीनिंग्स, ओके, दैट विल हेल्प यू टू इनरिच योर वोकैबुलरी। ओके, एंड टमोरो विल मीट विद द समरी ऑफ दिस पोएम एंड विल गो थ्रू द एक्सरसाइज पार्ट ऑल्सो। ओके, सो प्लीज़ स्टडी द पोएम लाइन्स। एज यू कैन सी, इफ यू डोंट हैव द बुक प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट, ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट एंड स्टडी ऑल द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड मीनिंग्स विच आर वेरी हार्ड फॉर यू एंड प्लीज़ फाइंड द वर्ड मीनिंग्स एंड मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड फॉर दिस। ओके, सो थैंक यू एवरी वन, बाय एवरी वन।